दोनों का अलग अलग लेटर ना लेंगे नहीं, सबमिट करा देंगे। तो गाइज काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन हुआ था हाइटस हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। तो गाइज 3 दिन पूरे होने के बाद आज जो है हजबैंड के स्टिच खुलेंगे। अब तो यहाँ पर जो हजबैंड को स्टिच लगे थे ना टाँके, वो आज खुल जाएंगे। तो गाइज खुल गए हैं और काफ़ी जगह स्टिच लगे हुए हैं। तो डॉक्टर ने अभी हजबैंड का स्टिच तो खोल दिए, बट उन्हें खांसी ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा हो रही है। तो इसलिए उन्हें बार बार स्टीम देना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर कह रहे ज़्यादा खांसना नहीं है, बट उनको खांसी इतनी ज़्यादा आ रही है। तो क्या कर सकते हैं, खांसना तो है ही है फिर। तो गाइज खांसी के साथ कफ भी काफ़ी मात्रा में हो रहा है। तो उन्हें दो दो तीन तीन घंटे के बाद स्टीम दे रहे हैं, तो इनसे इनको काफ़ी ना रिलैक्स हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर स्टिच वगैरह खुल गए हैं। तो स्टिच खुलने के बाद डॉक्टर नर्स अभी आगे का अपना जो भी होता है प्रोसेस वो करेगी। तो गाइज स्टिच खुलने के बाद हस्बैंड को थोड़ी सी वॉक करने चलने को बोला है, पर उन्हें हिम्मत बिल्कुल आ रही नहीं। तो मैंने उन्हें स्लीपर वगैरह दिए, मैंने कहा चल लीजिए थोड़ी जितना भी हो सकता है अपने रूम में राउंड लगाइए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आप सभी लोग हमारे फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर हैं और डेली के ब्लॉग देखते हैं। तो गाइज ऐसा नहीं है कि आप सभी लोगों को हम जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शेयर इसलिए भी किया जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हॉस्पिटल में हैं वही सब आपको दिखाया जाए, क्योंकि आप हमारे फैमिली हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ, जिसमें काफ़ी लोगों को हमारी चीज़ें अच्छी लगती होंगी, किसको नहीं भी लगती होंगी। तो वो गाइज हस्बैंड का ऑपरेशन होने के बाद आज 3 दिन पूरे हो गए। ऑपरेशन होने के बाद स्टिच खुल गए हैं। स्टिच खुलने के बाद उन्हें थोड़ी यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दर्द काफ़ी हो रहा है। तो सिस्टर को बुलाया अभी पेन के लिए, पेन उन्हें काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना, तो पेन एक पेन किलर देना है, तो उसके लिए सिस्टर को बुलाया। वही हस्बैंड और मैं डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइज इतने में नीचे से कॉल आ गया मेरे से मिलने, मेरी सिस्टर लोग आ गए। सिस्टर लोग आने के बाद फिर जो नहीं आता है उन्हें विजिट कार्ड देना होता है, तभी ऊपर एंट्री कर सकते हैं। तो गाइज सिस्टर चाय नाश्ता वगैरह सब मेरे लिए लेके आ गई है। तो चाय लेके आई, तो चाय सबसे अच्छी बात ये हुई, चाय वो सुबह से लेके शाम तक मैं यही चाय पीऊँगी, इसलिए बड़े वाले थर्मस में ले आई और दूध अलग से ले आई, ताकि दूध सुबह से डाल दो ना चाय में तो उससे स्मेल आ जाती है, तो इसलिए मेरे लिए अलग से थर्मस में मैं लेके आई दूध और चाय, ब्लैक टी बना के लाई, मिल्क अलग से लेके आ गई। तो गाइज उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय निकाल ली। चाय मैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पीती हूँ, और ये है गुड़, गुड़ की टपकी वाली चाय पीती हूँ। चाय पी रही थी इतने में मेरे जो ब्रदर हैं वो आए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं ऊपर आई। फिर मेरे जो मेरे हस्बैंड के मौसी हैं उनके बेटे राजू दद्दा गाजियाबाद से, वो आए, तो फिर मैं उन्हें लेने नीचे गई। फिर नीचे जाने के बाद थोड़ी देर उन्हें गपशप मारी होंगी, फिर मैं ऊपर आई। ऊपर आने के बाद मेरी दूसरी सिस्टर आई, मेरी बहन आई, फिर बहन आई, तो वो भी चाय लेके आई थी, तो मैंने सोचा फटाफट चाय में पी ही लूँ। तो गाइज मैंने स्टील का गिलास भर के चाय ली, और साथ में आपको पता ही है मैं पहले सोच रही थी मैं कौन से गिलास में पीऊँ, पर मुझे स्टील वाले में ज़्यादा पीनी थी, तो मैंने उसमें चाय वाय पी। तो वो चाय मेरे को ऊपर दे के फिर नीचे चले गए, क्योंकि ऊपर एक ही जना को बैठना अलाउड है, ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते। तो गाइज फिर मैंने अपने लिए चाय वगैरह निकाली। तो चाय निकालने के बाद फिर चाय पी, हस्बैंड को भी जो कुछ चाहिए था वो भी, एक जना साथ ही में रहना था उनके, और मैंने गुड़ वाली टपके वाली अपने लिए चाय निकाल ली, और आराम से मैं रिलैक्स हो के चाय पीने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई नीचे अब थोड़ी देर में आ जाएगा, और सिस्टर लोग आए थे तो उन्हें फिर उनका सामान वापस भी देना था। तो गाइज स्टिच दोबारा से खुले, फिर लगने के बाद फिर उन्हें पट्टी वगैरह करी। पट्टी करने के बाद हस्बैंड को दर्द काफ़ी मात्रा पर हो रहा था, फिर उन्हें इंजेक्शन एक और दिया, क्योंकि दर्द उन्हें काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, और एक स्टिच तो थोड़ी काफ़ी ज़्यादा ही लगा हुआ है, जो नाभि के ऊपर लगा है वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा पे लगा हुआ है। तो गाइज फिर उसके बाद हमको आज डिस्चार्ज भी होना था, और फिर हस्बैंड को लेके हम लोग चल दिए अपने घर को, बोरा बिस्तरा अपना बांध के। तो गाइज जैसे घर को जा रहे थे, फिर मेडिसिन जो थी ना जो यहाँ से ही लेनी थी सारी मेडिसिन, फिर मैं वो लेने गई। तब तक हमारी कैब आ रही थी, कैब का भी वेट हो रहा था, और मैं मेडिसिन लेके आ गई थी। तो गाइज मेडिसिन लेने गई, लेने के बाद फिर वहाँ पर भी थोड़ी टाइम लग गया बिलिंग वगैरह करने में, वह सब भी करके आई हस्बैंड। फिर हमारी टैक्सी आ गई, तो हस्बैंड बैठे, मैं बैठी, फिर हम चल दिए अपने
घर के साइड को। तो घर के साइड जैसे जा रहे थे, फिर दीदी का कॉल आया कितने देर में पहुँचोगे, क्योंकि ब्रूनो है ना घर में, वो बहुत भौंकता है, तो इसलिए उसको भी थोड़ी रिलैक्स करके छत में बैठाना था। तो गाइस फिर जिया जी लोग भी आ गए घर में हस्बैंड की हेल्प करने, क्योंकि सीढ़ियां हमारी काफ़ी हैं, फोर्थ फ्लोर पर रहते हैं तो सीढ़ियां काफ़ी मात्रा है पर। तो हस्बैंड आराम आराम से आ रहे थे तो मैं थोड़ी आगे चले गई, मैंने सोचा मैं दिया वगैरह जला लूँ, पर दिया दीदी लोगों ने ऑलरेडी घर पर जलाया हुआ था। तो गाइस फिर घर आई, सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो हस्बैंड को थोड़ी तकलीफ तो हो ही रही थी आने में, तो वो मठ वो मठ करके फिर घर के अंदर उन्होंने एंट्री कर ही ली। तो गाइस जैसे घर में आए, फिर घर में साफ़ सफाई ये सब करना था, साफ़ सफाई तो दीदी ने की थी, पर जो सोफ़ा कम बेड है वो मुझे इस रूम में लगाना था, वो दीदी को पता नहीं था, तो फिर मैंने सोफ़ा कम बेड इस रूम में लगा लिया और हस्बैंड यहाँ पर आराम से अब लेट सकते हैं, क्योंकि दूसरे रूम में बच्चे भी हैं तो फिर आवाज़ आ जाएगी। डॉक्टर ने बोला है अभी उन्हें रिलैक्स करना, और यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए बना रही सूप, और अपने लिए तो मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे लिए सारा खाना मेरी सिस्टर लोग घर से बना के लेके आए हुए हैं, क्योंकि पूरी खील पूरी और गाइस में पूरी है, छोले हैं, सलाद, चटनी, माय गॉड इतनी वैरायटी तो मैं खुद अपने लिए बनाती ही नहीं हूँ, पर दीदी लोग इतनी चीज़ें बना के ले आए, उसके लिए भी थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता है मैं घर आके इतना तो मैं कभी अपने लिए बनाती हूँ नहीं, शायद जो हस्बैंड खाते हैं उसमें मैं भी शेयर कर लेती, पर दीदी लोग ले आई तो खा ही लूँगी। तो गाइस वाह, नमक तो दीदी ने बड़ा ही अच्छा बनाया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना लूण की, और ये ब्रूनो का चावल भी बना के रखा है दीदी ने, क्योंकि ब्रूनो बहुत परेशान कर रहा होगा दीदी लोगों को ना दो तीन दिन से, तो दीदी आज डिसाइड ये हुआ है कि ब्रूनो को दीदी लोग अपने घर ही ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बार बार बेल बज रही है ना तो परेशान कर रहा है। ये दीदी अलग से मेरे लिए दूध भी लेके आई है यहाँ पर, ताकि मैं चाय को जो है दूध अलग से डाल के ऐसे पी सकूँ। ये काम तो दीदी ने बहुत ही बढ़िया करा, और यही काम वहाँ भी किया था हॉस्पिटल में, जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, दोनों अलग अलग चाय लेके आ रहे थे, कोई किसी में कोई किसी में, क्योंकि सबको ही पता है मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और बल्कि मेरी दोस्त वगैरह संजू जो भी हॉस्पिटल में आए थे उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करा। वही होता है ना, इस समय में कोई भी थोड़ी भी फ़ोन कर ले या सपोर्ट कर ले बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक होता है हमारे साथ में कोई है, हालांकि हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली, पूरे फ्रेंड्स, पूरे सब्सक्राइब, आप सभी लोगों का आशीर्वाद से आज जो है मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद वो घर में भी आ गए, अभी तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, दो हफ्ते तक डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल रिलैक्स रहना, कोई टेंशन नहीं देनी है, तो इसलिए हमने ना घर में किसी को भी आने के लिए फ़िलहाल मना कर रखा है, क्योंकि पहले स्वास्थ्य है उसके बाद सब चीज़ें हैं, मिलना जुलना तो बाकी बाद में हो भी सकता है। तो गाइस क्योंकि मुझे भी ना ऑफिस जाना पड़ेगा, बहुत इतनी छुट्टियां तो मुझे भी मिल नहीं सकती हैं, तो मुझे भी ऑफिस जाना है। तो गाइस यहाँ पर इतना सुंदर मेरी बहन लूण खाना वगैरह जो मेरे लिए बना के लाई है, मैं सोच रही हूँ मैं भी खा ही लूँ, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो नहा धो भी लिया घर आने के बाद, पहले तो मैं सुबह हॉस्पिटल में ही नहा लेती थी फटाफट से 6 बजे से पहले, क्योंकि फिर लगता था ना कि और लोग वॉशरूम जाएंगे, तो मैं टाइम से नहा धो के अपना रेडी हो जाती थी। तो गाइस दीदी तो नमक बड़ा ही अच्छा बना लाई है, इसको तो हम कर देते हैं पैक, रख देते हैं ऐसे वापस, फिर काम आएगा। अब मैं भी फटाफट से खा लेती हूँ खाना, पर दीदी लोगों ने एक चीज़ बहुत ही बढ़िया करी, जो नारियल पानी है ना, हस्बैंड को भी नारियल पानी देना है, तो उन्होंने घर में हमारे आने से पहले नारियल पानी 1 2 3 4 नारियल पानी लेके रखा है। सबसे अच्छा काम उन्होंने ये करा, काम तो सारा ही अच्छा किया पर ये वाला काम सबसे बढ़िया करा, क्योंकि उन्हें भी पता था घर आते ही फिर लेने कैसे जाएंगे, तो उन्होंने ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो गई जब मैं भी फटाफट से खा लेती हूँ खाना, नहा धो के बैठ गई हूँ आराम से, हस्बैंड को भी उनका सूप दे दिया है, पर उन्हें अभी पीना नहीं है, उन्हें नारियल पानी दिया है वो भी अभी पी नहीं रहे हैं। तो गाइस मैं फटाफट से खा लेती हूँ खाना, क्योंकि थोड़ी देर में फिर जो है सार्थक डॉगी को, हमारे जो ब्रूनो है ना, वो थोड़ी देर के दिन के लिए सिस्टर के ही वहाँ रहेगा अभी, क्योंकि पहले हमें भी ये था कि हम भी सिस्टर के ही वहाँ जाएंगे, पर मेरे लिए क्या था, यहाँ से ग्रेटर नोएडा रहती हैं मेरी दीदी, जिनके घर में लिफ्ट है गौर सिटी के पास में, तो वहाँ से अप डाउन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो गई चलो जो भी है खाना वाना खा लिया, खाना खाने के बाद फिर नेक्स्ट डे जो है हस्बैंड को गई थोड़ी सी अभी रिलैक्स हुआ है, नेक्स्ट डे नहीं है, नेक्स्ट इवनिंग है,
तो ब्रूनो को जाने की तैयारी हो गई है सिस्टर के घर में। आज हमारा ब्रूनो है जो मेरी सिस्टर के घर जाएगा, वो अभी पता नहीं कितने दिन उसका मन लगेगा, ब्रूनो वहीं पर रहने वाला है। तो गाइज ब्रूनो को मैंने कर दिया है रेडी, और नीचे सार्थक भी आ गया, सार्थक का कॉल आ रहा है, वो टैक्सी लेके आ गया ब्रूनो को ले जाने के लिए। तो गाइज बुरा तो हमें काफ़ी लगेगा, ब्रूनो जा रहा है पर क्या करें, उसको थोड़ी देर के लिए वहीं रखना पड़ेगा क्योंकि वो भौंकता है ना, तो हस्बैंड को भी रिलैक्स करके रहना है, तो इसलिए हम ब्रूनो को थोड़ी दिन के लिए वहीं भेज रहे हैं। तो गाइज ब्रूनो का सामान वगैरह भी रख लिया, और हमारी जो है पूजा पाठ भी हो गई है, शाम की पूजा पाठ भी हो चुकी है, ब्रूनो को मैं छोड़ के आ रही हूँ नीचे। तो गाइज आप सभी लोगों से मैं फिर मिलने वाली हूँ, बाय बाय।